हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप सामने देख रहे हैं मेरे, आपके ये सामने जो पड़े हैं ये हैं मोर पंखी के बीज, जो कि मैं इनको तोड़ चुका हूँ। ये बीज मैंने, ये ग्रीन कलर के थे, ये हाइब्रिड है क्वालिटी जो इसकी मोर पंखी की। तो वैसे तो इसका जो मौसम है इसको तोड़ने का, वो है सितंबर का। सितंबर के महीने बरसातों के बाद होता क्या है कि ये अपना पक जाते हैं और ये रेड कलर के या फिर ब्राउनिश हो जाते हैं और फट जाते हैं। तब इसके सीड उसमें से हमें निकालने चाहिए और फिर उन्हें ग्रो करना चाहिए। तो मैंने पिछली बार एक वीडियो पिछला भी बनाया, आपने देखा होगा मोर पंखी के ऊपर, मगर वो सीड मैंने सितंबर के महीने में ही पके हुए तोड़े थे, मगर वो ग्रो नहीं करे। तो अब फिर मेरे पास मेरे व्यूवर्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो मजबूरन मुझे ये अपने ही मोहल्ले में से तोड़ कर लाया हूँ इसको। ये हाइब्रिड के लगे हुए हैं, बहुत ही देखने में बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़े बड़े हैं ये मोर पंखी। तो ये आई थिंक हाइब्रिड ही है। तो मगर ये जब मैं तोड़ कर लाया था तो ग्रीन कलर के थे, तो उसके बाद मैंने इनको ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ा। तो मैंने इनको ये तीन चार दिन मैंने इसको सुखा लिया है छाया के अंदर। उसको सुखाने के बाद जब मैंने तोड़ा तो अभी भी ये थोड़ा बहुत गीला है, एकदम हार्ड वुड नहीं बना। तो मैंने ये सीड निकाल दिए हैं इसके, इसमें से। अब मैं इस सीड को ग्रो करने वाला हूँ, तो हम देखते हैं कि इस सीड को हम कैसे ग्रो करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट मुझे बेटर मिलेगा जबकि सितंबर की बजाय, क्योंकि मेरा मानना है कि हम अगर किसी सीड को प्लांट करें तो वो बारिशों के मौसम में करना चाहिए। अभी थोड़ी बहुत बारिशें यहाँ पर आ रही हैं मेरे यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, तरबूज का वीडियो था मेरा, तरबूज के बीज जो हमने लगाए थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लें आप। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे पास जगह तो और कोई पॉट है भी नहीं और ना यहाँ पर मिट्टी है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं इसी के अंदर ही इन सीड को लगा देता हूँ, क्योंकि जो बाकी स्पेस खाली बची हुई है हम उसके अंदर इस सीड को लगा देंगे। तो हमको उसको लगाने के लिए हमें उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक पेंसिल का, आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, ये आप अपने ध्यान में रखना, जो भी मैं यहाँ बातें करता हूँ वो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, जो कि हर किसी को इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। तो ये भी बात आप ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी आपके बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। जितने सीड का साइज होता है, जितनी मोटाई होती है, या आप समझ लीजिए जो भी है मोटाई लंबाई जो भी समझ लीजिए या थिकनेस समझ लीजिए, इससे दो गुना इसको ज़मीन के नीचे दबाना चाहिए। अगर ये 2 mm है तो इसको हमें 5 या 6 mm तक इसको डालना चाहिए। अगर बीज ज़्यादा मोटा है तो उसी की मोटाई के हिसाब से 10 mm 15 mm इसको आप गहरा डाल सकते हैं, मगर अगर सीड छोटा है तो आपको इसको उसी के अकॉर्डिंगली मिट्टी के अंदर दबाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करेगा। तो ये हम देख रहे हैं बीज काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम अब ज़्यादा गहराई नहीं करेंगे, थोड़ी सी ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको छोटा छोटा सा इसके अंदर छेद कर देता हूँ। और आप कभी भी सीडलिंग करें कहीं पे भी किसी भी जगह पर, तो उनकी आप एक बीज से दूसरे बीज के अंदर 1 inch का गैप होना लाजमी है, ये भी आप बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ काफ़ी सारी छेद कर लेता हूँ। अगर ये ज़्यादा लग गए तो वैलन गूड़ा मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दूंगा, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर दूंगा।
अगर एक दो लगे तो हम अपने गार्डन में ही यूज कर लेंगे उसको, अपने घर पे ही। अब मैं सबके अंदर एक बीज डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मतलब दिखाई दे रहा हो तो कि बीज हमें दिखाई दे रहा है, ज़्यादा गहराई में नहीं है। बरसात के मौसम में किसी भी प्लांट्स के ग्रो होने में या डेवलप होने में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जब मानसून चल रही हो तब। मेरा जो ये चैनल है मैं आपको बता दूँ पहले जी, मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में बताता ही हूँ मैं कि ये उनके लिए है जिनके पास स्पेस कम है, जो घर के अंदर मिट्टी जो ज़्यादा नहीं ले जा सकते, फर्स्ट फ्लोर पर हैं या उससे ऊपर। ये चैनल मेरा उनके लिए है जिनके पास कम स्पेस है, जिनके पास ज़्यादा स्पेस है ये चैनल उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं घर के अंदर ही यूज़ होने वाले वेस्ट सामान के अंदर ही गार्डनिंग करता हूँ। जैसे कि आप मुझे ट्रे देख सकते हैं, ये वाली ट्रे भी बिस्कुट की है, इसमें बिस्कुट आए थे दिवाली के टाइम पे, तो ये बिस्कुट वालों की है। बाकी सीड मैं पड़े रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, काफ़ी सारे सीड लगा दिए हैं मैंने। अब मैं इसको कवर कर देता हूँ, हल्के हाथ से ही मैं कवर कर दूँगा बिल्कुल, कोई विदाउट किसी प्रेशर के। आप इसको बंद कर दें होल्स को हल्की हल्की मिट्टी के साथ, बाकी ये अपने आप ही अपना काम कर लेगा। तो मैंने सारे होल्स यहाँ देख सकते हैं बंद कर दिए हैं, ठीक है ना, मैंने अच्छे से बंद कर दिए सारे होल। और मैंने अब इसके ऊपर हमें पानी देना है। पानी के लिए हमें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जब भी सीड लगाएं तो किसी स्प्रे के साथ पानी दें, उससे मिट्टी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और दूसरा, जो और प्लांट्स लगे हैं इनको भी अगर इनके साथ आप कर रहे हो तो उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वृक्ष अगर पानी देंगे तो पानी का यहाँ पर खड्डा बन जाएगा, सीड हिल सकते हैं। और अगर अपने प्लांट्स पर भी आप पानी दे रहे हैं तो अपने पौधों के ऊपर आप बोतल से स्प्रे कीजिए, तो आप देखेंगे कि बोतल के ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे उन पौधों के ऊपर तो नेचुरली एक निखार आना उनके ऊपर शुरू हो जाएगा। ये फैक्ट है, आप ये जमा के देखिए ये चीज़ भी, ये टिप्स भी। आपने देखा भी होगा कि बारिश के बाद जब आप अपने गार्डन को देखेंगे तो देखने में और भी बेहतर लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कंजन यही है कि जब स्प्रे होता है तो वो बारिश ज़्यादा फील करवाता है उसको, और वो प्लांट्स अच्छे से खिल जाते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इसीलिए आपको कभी पौधों में वाटरिंग करनी हो तो स्प्रे से कीजिए, क्योंकि प्लांट्स को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप उनकी केयर हल्की सी आपने हटाई तो वो आप प्लांट को ख़राब पाएंगे। इसलिए जो छोटा प्लांट होता है जब हम ग्रो करने से लेके फिर उसके एक दो महीने तक उसकी हमें केयर करनी पड़ती है, उसके बाद तो वो खुद ब खुद अच्छा सा प्लांट बनने के अपना खिल फूलने लग जाता है, तो हमें उसकी ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो मैंने बताया ट्रिक्स आपको किस ढंग से आपने, ये मोर पंखी का बीज है, मोर पंखी का बीज आपको किस ढंग से लगाना है। क्योंकि मैंने सितंबर में लगाया था, वो सक्सेस नहीं हुआ मेरा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये अपना अभी रेनी सीजन है मेरे यहाँ पर, एक दो दिन छोड़ के बारिश पड़ जाती है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको इसी मौसम में लगाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसी मौसम में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे को। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए इसका। जब ये प्लांट बाहर आ जाते हैं
मोर पंखी के, तो मैं इसका वीडियो आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।